गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की क्लास लेकर मैं शशि शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। सबसे पहले जानते हैं मापन किसे कहते हैं। मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। प्रायः मापन से अभिप्राय लगाया जाता है कि यह प्रदत्तों को अंकों के रूप में वर्णन करता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मापन होता है वह किसी वस्तु के गुणों को अंक प्रदान करता है, वस्तु के गुणों को, विशेषताओं को अंक प्रदान करता है। स्टीवेंस की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मापन किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हेल्मस्टेडर महोदय के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। इसमें भी आप देखिए परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि पदार्थ में निहित विशेषताओं का, ठीक, व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जा सकता है मापन के अंतर्गत। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं अथवा घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक रूप से संकेत चिन्ह अथवा आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया जो होती है वह मापन कहलाती है। बात करते हैं शैक्षिक मापन की। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की योग्यताओं, विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करना मापन कहलाता है। छात्रों की विशेषताओं या योग्यताओं, मतलब छात्रों की बुद्धि हो गई, उपलब्धि हो गई, रुचि हो गई, अभिक्षमता हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको जब हम अंक प्रदान कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है, मापन, मापन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सभी मापन शैक्षिक मापन कहलाते हैं। अगर शैक्षिक मापन की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मापन किए जाते हैं वो सारे मापन शैक्षिक मापन कहलाते हैं। उस मापन के अंतर्गत आपके बच्चों की बुद्धि, उपलब्धि, रुचियाँ, व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैरिसन महोदय के अनुसार मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। अर्थात मापन को हम इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जो शिक्षक होता है वो मापन के द्वारा ही छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। अब बात करते हैं मापन के प्रकार की। मापन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मानसिक मापन, मेंटल मेजरमेंट, भौतिक मापन जिसको फिजिकल मेजरमेंट भी कहते हैं। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं एवं शील गुणों का मापन किया जाता है, जैसे बुद्धि, अभिक्षमता, उपलब्धि, रुचि, व्यक्तित्व इत्यादि। यह एक सापेक्षिक मापन होता है और इसमें शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। सापेक्षिक मापन का यहाँ यह अर्थ है कि इसमें जो प्रत्येक अंक होते हैं, एक एक पॉइंट होते हैं, उसका बहुत महत्व नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति 90 नंबर पा रहा है, कोई व्यक्ति 90 नंबर पा रहा है और कोई 91 पा रहा है तो दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक, ये सापेक्षिक मापन होता है और इसमें शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। वही बात करते हैं भौतिक मापन की। भौतिक मापन में भौतिक गुणों तथा विशेषताओं का मापन किया जाता है। भौतिक गुण के अंतर्गत आप लोग जानते हैं भार, लंबाई, ऊंचाई, दूरी इत्यादि होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह निरपेक्ष प्रकार का मापन होता है, अर्थात इसमें एक एक बिंदु, एक एक अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसमें शून्य बिंदु भी पाया जाता है, अर्थात ये मापन शून्य से प्रारंभ हो सकता है। लेकिन मानसिक मापन शून्य से प्रारंभ नहीं होता है। जैसे हम रुचि की बात करते हैं तो भले कोई कहे कि हाँ हमारा इस चीज़ में रुचि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब रुचि परीक्षण उस पर लागू किया जाता है तो कुछ ना कुछ अंक, कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर प्राप्त होते हैं, ठीक। तो
इसीलिए मानसिक मापन में जो शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मानसिक मापन का प्रयोग होता है, शिक्षक के द्वारा सबसे ज़्यादा मानसिक मापन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मापन के स्तर या मापनिया, मापन के स्तर लेवल या स्केल ऑफ मेजरमेंट। मापन के स्तर चार प्रकार के होते हैं, शाब्दिक स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल। बात करते हैं शाब्दिक स्तर मापने की। जो शाब्दिक स्तर मापनी होती है, यह वस्तुओं अथवा घटनाओं को उनके गुणों या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक समूह की पहचान के लिए उसे कोई नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे दो वर्ग हैं, महिला और पुरुष, दो दो वर्गों में महिला और पुरुष को बांटा गया और महिलाओं के ग्रुप को एफ ग्रुप और पुरुषों के ग्रुप को एम ग्रुप के नाम से जाना जा सकता है। इसी प्रकार से फलों और सब्जियों के ग्रुप अगर बनाते हैं तो फलों के ग्रुप को एफ ग्रुप और वेजिटेबल्स के ग्रुप को, सब्जियों के ग्रुप को बी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। क्रमिक स्तर मापनी। क्रमिक स्तर में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं या घटनाओं एवं विशेषताओं को उसके गुण या लक्षण के आधार पर उच्चतम से निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कॉलेज के छात्रों का जो परीक्षा प्राप्तांक होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, आपके जो स्कोर होते हैं उसके आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आपको रैंक दी जाती है। यह सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, क्रमिक स्तर मापने का। मतलब किसी के गुणों और विशेषताओं के आधार पर उच्चतम से निम्नतम की ओर क्रम प्रदान करने की प्रक्रिया क्रमिक स्तर मापन में होता है। नेक्स्ट है अंतराल स्तर मापने। इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों या वर्गों के मध्य की दूरी के अंतर को अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है तथा प्रत्येक अंक का जो अंतर या दूरी होती है वो सम होती है, एक समान होती है। मतलब दो वस्तुओं के जो बीच की दूरी होगी वह एक समान होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण थर्मामीटर है। इसमें सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह होती है, दूरी तो दोनों अंकों की समान होगी, ठीक, लेकिन इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें शून्य होता ही नहीं है। आप देखिए थर्मामीटर में, कोई भी दो बिंदु की दूरी समान तो रहेगी लेकिन इसमें शून्य नहीं पाया जाता है, शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। चौथी मापनी है अनुपात स्तर। यह अंतिम एवं सर्वोच्च स्तर की मापनी होती है। इसमें अंतराल स्तर की सभी विशेषताएं होती हैं। सभी विशेषताओं का मतलब इसमें अंकों के मध्य समान दूरी होगी, ठीक, प्रत्येक अंक का जो अंतर होता है वो सामान्य होता है, समान होता है। और इसके साथ साथ सब इसके अंतराल स्तर की मापनी के सभी विशेषताओं के साथ साथ इसमें शून्य बिंदु भी पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मीटर, ग्राम, लीटर इत्यादि। अब देखिए मीटर कहाँ से शुरू होगा, जीरो से ही स्टार्ट होता है, ठीक, 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से ग्राम, लीटर, मतलब इसमें शून्य बिंदु उपस्थित होता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मूल्यांकन। मापन में आपकी ये सब चीज़ें थी, अब आप देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन एक विस्तृत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ किसी माप की उपयोगिता के संबंध में निर्णय या मूल्य प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन को अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसके शाब्दिक अर्थ को मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन दो शब्दों से मिला है, मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, अर्थात इसमें वस्तुओं के मूल्य को अंक प्रदान किया जाता है। वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर उसके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। जो वस्तु ज़्यादा उपयोगी होगी उसका मूल्य अधिक होगा और जो वस्तु कम उपयोगी होगी उसका मूल्य कम होगा। जैसे आप देखिए मार्केट में सेम चीज़ें, दो चीज़ें बिकती हैं लेकिन वो वस्तु ज़्यादा महंगी होगी जिसमें ज़्यादा क्वालिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की। शैक्षिक मूल्यांकन, मूल्यांकन के क्षेत्र में चलने वाली है मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो यह बताती है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की गई है।
पूर्व निर्धारित उद्देश्य, हम जब कुछ भी बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई क्लास स्टार्ट करते हैं या कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक उद्देश्य निर्धारित होता है और अंत में एग्ज़ाम होता है। तो उद्देश्य एग्ज़ाम इसीलिए होता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसकी सीमा किस उसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, और इसी जानकारी को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। डांडेकर महोदय की एक परिभाषा है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। मतलब शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है इसी को जानने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है वह मूल्यांकन कहलाती है। एनसीईआरटी ने भी मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए 3 बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु में एनसीईआरटी ने कहा है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए जाने वाले अनुभव कितने प्रभाव उत्पादक रहे, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है, यही जो प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन कहलाती है। मतलब यहाँ भी देखिए, सबसे पहले पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं और यह देखा जाता है किस सीमा तक यह प्राप्त हो रहे हैं, और क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, ठीक, जो भी अनुभव दिए जाते हैं वह कितने प्रभावशाली रहे, वह कितने प्रभाव उत्पादक रहे, और तीसरा बिंदु है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो यही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत इन्हीं तीन चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसी के संबंध में कोठारी कमीशन ने कहा है कि मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात मूल्यांकन कभी रुकती नहीं है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। पूरी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, शिक्षा प्रणाली से मूल्यांकन को अलग नहीं किया जा सकता, तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, इसका जो शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, आप तीनों परिभाषाओं में देखेंगे शैक्षिक उद्देश्य मुख्य रूप से तीनों परिभाषाओं में शामिल है। मतलब मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो कौन सा होता है, शैक्षिक उद्देश्य। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आधार निर्धारित उद्देश्य होते हैं तथा इनसे संबंधित विषय वस्तु, अधिगम क्रियाएं तथा मूल्यांकन पद्धतियों के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक, शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का वास्तविक लक्ष्य होता है। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि अगर हम निष्कर्ष पूरे पूरे का निष्कर्ष निकालें तो यही निकलता है कि शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का वास्तविक लक्ष्य होता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया की। पूरी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसमें 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। ये जो पक्ष होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जो पहला पक्ष होता है वो होता है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा पक्ष अधिगम अनुभव, और तीसरा पक्ष जो होता है मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। ये एरो थोड़ा सा, मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, दूसरे चरण में अधिगम अनुभव होता है, और तीसरे चरण में मूल्यांकन के उपकरणों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और जानने का प्रयास किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। यहाँ पे हम स्पष्ट करते हैं कि मूल्यांकन के प्रथम चरण में सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारित किया जाता है। सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, इसे आप कमेंट करके स्पष्ट करिए कि होते क्या हैं। फिर उसके बाद अगली क्लास में मैं इसको बताऊंगी कि सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, आपको जानकारी होगी। इसके पश्चात
ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसके अंतर्गत बालक को उपयुक्त शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सके। जैसे क्लासरूम में विभिन्न माध्यमों से टीचिंग की जाती है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, पाठ योजना का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के TLM का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम अनुभव प्राप्त कराए जाते हैं। और जो तीसरा एवं अंतिम चरण होता है उसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों के माध्यम से, जैसे आपके कुछ मूल्यांकन की पद्धतियां भी होती हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निरीक्षण विधि, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षा की विधियां होती हैं, इनके माध्यम से शिक्षक मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकित करता है कि जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है वह उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह पूरी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, मूल्यांकन के माध्यम से यह जाना जाता है या जानने का प्रयास किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। अब देखते हैं लास्ट में क्या होता है। मूल्यांकन के उपकरणों के माध्यम से हमने मूल्यांकन कर लिया। अगर उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, तो हम नेक्स्ट चरण के नए उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। अगर उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है तो हम पुनः अधिगम अनुभव करते हैं और मूल्यांकन के उपकरणों के माध्यम से फिर से चेक करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो भी मैटर होगा मैं लेकर आऊँगी। धन्यवाद।